गर्मियों की शुरुआत हो गई है। बच्चों और बड़ों सबको पसंद आती है गर्मी में आइसक्रीम। आज हम आपके लिए लेकर आए एक खास रेसिपी, 3 चीजों से होममेड मटका आइसक्रीम। ना कोई दूध उबालना है, ना कोई मिल्क पाउडर चाहिए, बिना गैस स्टोव के आइसक्रीम। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बिना गैस स्टोव के ही आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए होममेड आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं त्रुषा, त्रुषाज रेसिपी में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैंने यहाँ हाफ कप जैसे चीनी को लिया हुआ है। चीनी जो हम घर पे यूज करते हैं वो वाली रेगुलर ही चीनी मैंने ली हुई है। बहुत ही कम चीजों से एकदम बाजार जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी, तो एक बार जरूर से ट्राई करना। चीनी को एक मिक्सर जार में डालेंगे। चीनी के साथ लेंगे 10 से 12 नंग काजू। ये मैंने काजू को मिक्सर जार में डाल दिया है। अब साथ में लेंगे 8 से 10 नंग जैसी बादाम। बादाम को भी हम मिक्सर जार में डाल देंगे। आप यहाँ अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। और साथ में ले लेंगे 3 इलायची, जिसे ऐसा थोड़ा खोलकर डालेंगे। सारी चीजों को मिक्सी में 1 मिनट जैसा चला लेंगे। मिक्सी में चलाने से एक पाउडर फॉर्म बन जाएगा, कुछ इस तरह का आपको पाउडर मिलेगा। बस हमें एक और चीज चाहिए, फिर हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब हम लेंगे फ्रेश क्रीम, जो मार्केट में इजीली कोई भी ब्रांड की आपको मिल जाएगी। बस आपको क्रीम को एकदम चीर लेना है। मैंने यह क्रीम लाकर 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। बाउल में सारी क्रीम को डाल देंगे। क्रीम को ऐसे हल्के हाथों से फ्रेश करके निकाल लेंगे। अब जो पैकेट के अंदर कुछ बच गई होगी तो उसे भी हम ऐसे पैकेट को काटकर चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। ये क्रीम का पैकेट 200 ml का है। अब क्रीम को हम ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उसका यूज करें, और वो भी ना हो तो आप हैंड विस्कर का यूज करें। हैंड विस्कर यूज करें तो एक बाउल में नीचे बर्फ रखें, फिर विस्क करें, जिससे क्रीम पिघलेगी नहीं। 2-3 मिनट चालू बंद करके मैंने ब्लेंड किया है। आप देख सकते हो कितना फ्लफी सा बैटर बन गया है। अब हमें हाफ पोर्शन जैसा जो पाउडर हमने बनाया था उसे हमें डालना है। ये मैंने हाफ पोर्शन पाउडर डाल दिया है। अब हमें इसे फिर से 2 मिनट जैसा ब्लेंड करना है। चालू बंद कर करके हमें इसे ब्लेंड करते रहना है। यहाँ पर मैंने 2 मिनट जैसा ब्लेंड किया है, और 2 मिनट बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा ये बैटर। अब जो बाकी का पाउडर बचा है उसे भी हम डाल लेंगे, और साथ में 2 चम्मच जैसा केसर सिरप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह केसर भी दूध में भिगोकर डाल सकते हो, और नहीं डालोगे तो भी आइसक्रीम एकदम टेस्टी बनेगी। चलो तो फिर से एक बार ब्लेंड कर देते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। कुछ इस तरह से अब करेंगे इसे सेट। मैंने यहाँ मिट्टी की 4 कटोरी ली हुई है। आप यह स्टील की, प्लास्टिक की कोई भी कटोरी या फिर कोई भी मोल्ड ले सकते हो। चारों में हम पूरा मिक्सर डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट डालकर गार्निश करेंगे। कुछ ऐसा लगेगा लुक। इसे अभी पैक करना बाकी है। ये बहुत जरूरी स्टेप है।
इसे सील करने के लिए मैंने यह फॉइल पेपर को इस तरह से काट कर लिया है। ऊपर से इसे अच्छे से पैक करना है जिससे अंदर बर्फ नहीं जमेगी और आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट बनेगी। इस तरह से चारों को मैंने सील कर दिया है। तो चलिए अब इसे रखेंगे फ्रीजर में। आपको फ्रीजर को हाई मोड पर सेट करना है। अब इसे 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। 7 घंटे बाद आप देख सकती हो कि कितनी सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बनकर तैयार है। कोई बोल सकता है कि इसे हमने घर पर बनाई है। तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।